Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215. हमने यूनिट नंबर 5 फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर स्टार्ट किया है और आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे. So learning outcome, after watching this video, student, we will be able to learn about working of capacitor start induction motor and application of capacitor start induction motor. So, सबसे पहले हम देखेंगे कि capacitor start induction motor यानी क्या होता है. ठीक है, अब ये motor, आपको ये motor की diagram दिख रही है. This diagram is for capacitor start induction motor. अब मोटर में दो हिस्से हैं, आपको पता है, एक होता है रोटर और दूसरा होता है स्टेटर. स्टेटर का जो ये पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं दो वाइंडिंग्स है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग. अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आरए है, उसके सीरीज में ये सीएस यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है और इसी के साथ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच SC भी है. ठीक है, अब हम जब सिंगल फेज एसी सप्लाई मोटर को देंगे तो करंट आई जो है, यानी हमने जो करंट आई दिया है वो टोटल करंट आई होगा स्टार्टिंग में. फिर ये जो करंट आई है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो मेन वाइंडिंग से जो करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे IM और जो करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग से फ्लो होगा उसे हम कहेंगे IA. ठीक है, CS यानी है स्टार्टिंग कैपेसिटर. और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, स्विच का काम होता है सर्किट को मेक करना या ब्रेक करना. तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच SC जब क्लोज होगा तब ये करंट I ये जो है यहाँ से फ्लो होकर ऑक्सिलरी वाइंडिंग से क्या होगा, फ्लो होगा. सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से करंट फ्लो होने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्लोज होना जरूरी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यानी क्या है. सो अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट एम्प्लॉयज अ कैपेसिटर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है उसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि उसमें कैपेसिटर होता है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है. ये कैपेसिटर इसलिए कनेक्ट किया जाता है मोटर में ताकि मेन वाइंडिंग में और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट है उन दोनों में ज्यादा फेज डिफरेंस हो. ठीक है, फेज डिफरेंस यानी क्या, हमने इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है. फेज डिफरेंस यानी एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज या फिर एंगल बिटवीन टू डिफरेंट करंट्स या टू डिफरेंट वोल्टेजेस. सो यहाँ पर दो करंट है हमारे पास, IA और IM. तो ये दोनों IA और IM के बीच में ज्यादा फेज डिफरेंस आना चाहिए, ज्यादा फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होना चाहिए, इसीलिए कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया गया है. द नेम कैपेसिटर स्टार्ट इटसेल्फ शोज दैट द मोटर यूजेस अ कैपेसिटर फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग. अब इसके मोटर के नाम में ही आ रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. सो इस मोटर के नाम से हमें ये पता चलता है कि ये मोटर में स्टार्टिंग प्रोसीजर के लिए कैपेसिटर को क्या किया गया है, यूज किया गया है. इसीलिए इस मोटर का नाम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है. नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन. सो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हैज अ कैपेसिटर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट टू प्रोड्यूस ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर होता है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है सीरीज में. और ये कैपेसिटर का मेन काम है कि जो फेज डिफरेंस है करंट, मेन वाइंडिंग के करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको क्या करता है, बढ़ाता है.
The capacitor start motor has a cage rotor and two winding on the stator. They are known as the main winding and auxiliary winding. अब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो रोटर यूज होता है, वो रोटर जो है होता है और स्टेटर होता है, और स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। हमने ये देखा ही है कि मोटर में स्टेटर रोटर मेन पार्ट्स होते हैं और स्टेटर में दो वाइंडिंग्स होती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। द टू वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड 90 डिग्री अपार्ट। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। A centrifugal switch is also connected with the auxiliary winding. So, इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्या है कि auxiliary winding के साथ capacitor और centrifugal switch क्या है, connected है, और दोनों winding के बीच में का जो दोनों winding जो है एक दूसरे के साथ 90 degree का angle form कर रहे हैं। वही दिया है इसमें कि दो windings, two windings are placed 90 degree apart. नेक्स्ट, द करंट आई एम इन द मेन वाइंडिंग इज लैगिंग द करंट इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग बाय 90 डिग्रीज। यानी जो करंट आई एम है प्रोड्यूस होने वाला मेन वाइंडिंग में, वो आई ए से 90 डिग्री क्या होता है, लैग करता है। यानी 90 डिग्री एज कम्पेयर टू आई ए वो क्या करता है, पीछे चलता है। उन दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री है, बट आई एम जो है वो लैग करता है आई ए को, ठीक है। एंड देयर एमएमएफ्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट 90 डिग्री अपार्ट, व्हिच मेक्स द मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये दोनों के में जो एमएमएफ प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट उन दोनों में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस देखा जाता है, क्योंकि करंट में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हम देख रहे हैं, और इस फेज डिफरेंस के कारण ये जो मोटर क्या होती है वो स्टार्ट होती है। As the motor approaches its rated speed, the auxiliary winding and the capacitor disconnected automatically by the centrifugal switch. अब क्या होता है, जब मोटर स्टार्ट होती है और कुछ समय के बाद जब मोटर अपने मेन पोजिशन अपने रेटेड स्पीड पर काम करने लगती है, तब क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो स्टार्टिंग में क्लोज था, वो यानी बंद था, वो अभी जो पोजीशन आप देख रहे हो उस पोजीशन में होता है, और ये क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग के साथ ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। कब डिस्कनेक्ट होती है, जब मोटर रेटेड स्पीड पकड़ती है उसके बाद, और फिर स्टेटर में एक मेन वाइंडिंग ही फंक्शन करती है। सो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, मोटर को ऑन करना या मोटर को सर्किट को मेक करना या ब्रेक करना। सो हमने देखा है कि कैपेसिटर के कारण क्या होता है, दोनों वाइंडिंग्स में फेज डिफरेंस ज्यादा होता है, और इस 90 डिग्री फेज डिफरेंस के कारण जो मोटर है वो क्या होती है, उसमें एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये मोटर जो है अपने आप स्टार्ट होने। नेक्स्ट, application of capacitor start induction motor used for loads of higher inertia, used in pumps and compressor, used in refrigerator and air conditioner, and used in conveyor. So in today's lecture we learned about introduction of capacitor start induction motor, then we learned about the working of capacitor start induction motor, detailed study of diagram of induction capacitor start induction motor, and application of it capacitor start induction motor. These things we learned in today's lecture. Thank you and keep learning.